उत्तर प्रदेश के बलिया में सपा बसपा गठबंधन टूटने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था, न कि परमानेंट गठबंधन था। जब चुनाव आते हैं तो गठबंधन होता है, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो गठबंधन टूट जाता है। वहीं अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को मंत्रिमंडल में शामिल न करने पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आज़ादी के बाद से ही पिछड़ों की उपेक्षा हुई है और आज भी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये पिछड़े समझ नहीं पा रहे हैं, समय जब रहता है तब इनको अकल नहीं आ रही, समय जब बीत जाता है तब इनको अकल आती है कि इनको हिस्सेदारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि चाहे अनुप्रिया जी हों चाहे नीतीश जी, इनको पहले हिस्सेदारी तय कर लेनी चाहिए, उसके बाद साथ निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में 54% हिस्सेदारी पिछड़ों की होनी चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था, न कि वो परमानेंट गठबंधन। जब चुनाव आते हैं तो गठबंधन होते हैं, चुनाव खत्म हो जाते हैं तो गठबंधन खत्म हो जाते हैं, तो उसी की एक कड़ी है। नहीं, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बोला था कि ये गठबंधन हमेशा ही रहेगा, चुनाव के बाद भी ये बना रहेगा, लेकिन आज जिस तरीके से गठबंधन टूटा है, इसके बारे में क्या रहा है? मतलब आप इसको किस एंगल से देखते हैं, किस निगाह से? हम देखिए, एक बात साफ साफ जानते हैं कि जितने भी अब तक गठबंधन हुए हैं वो गठबंधन चुनाव के लिए होते हैं, चुनाव बीत जाते हैं तो वो गठबंधन रिजल्ट आने के तुरंत बाद ये मान लिया जाता है कि अभी गठबंधन नहीं रहेगा। कोई भी गठबंधन हुआ हो आप उठा के देख लीजिए, अमित शाह से कोई लाभ नहीं होना, जिस तरीके से राजनाथ सिंह को हटा दिया गया और अमित शाह ने खुद बागडोर, अब राजनाथ सिंह को हटा दिया गया है, अब राजनाथ सिंह के बिरादर जाने की क्यों हटा दिया गया, अब उनकी पार्टी जाने, हम कैसे बता दे भैया, ये तो निश्चित डिमोशन हुआ है, हम तो जानते हैं राजनाथ सिंह का डिमोशन, बिल्कुल डिमोशन है भाई। गृह मंत्री से हटा के रक्षा मंत्री बनाना, ये तो क्या वो ठाकुर थे इसलिए कि अब जवान जी हो चाहो, अब जवान जी हो भैया, अब वो तो आप जानते हैं जगह दी थी, तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया। बिहार के मुख्यमंत्री भी काफी नाराज चल रहे हैं, अनबन है मोदी जी से, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल भी जो होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, वो है नहीं आपके हिसाब से? देखिए, आजादी के बाद से पिछड़ों की उपेक्षा हुई है, आज भी हो रही है, ये पिछड़े समझ नहीं पा रहे हैं, समय जब रह रहा है तो इनको अकल नहीं आ रही है, जब समय बीत जा रहा है तब इनको अकल आ रही है कि हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। अगर ये बात चाहे अनुप्रिया जी हों चाहे नीतीश जी हों या कोई हों, अगर ये पहले तय कर लिए होते कि हमारी हिस्सेदारी ये सुनिश्चित करिए तब हम आपके साथ रहेंगे, उस समय तो इनके पास बोलती नहीं आई और आज लोग बोल रहे हैं। तो ये तो उपेक्षा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे जदयू की सरकार रही हो, किसी की सरकार में केंद्र में रही, तो पिछड़ों को उपेक्षा हुई है। मंत्रिमंडल को उठा के देख लीजिए, मंत्रिमंडल में 54% आबादी पिछड़ों की है, अगर हिस्सेदारी की बात होती तो 54% मिनिस्टर पिछड़ों के होते, 22.5% मिनिस्टर दलितों के होते, लेकिन कहां हिस्सेदारी है, सबका साथ सबका विकास कहां है? इसका मतलब ओबीसी के साथ एकदम 100% धोखा हो रहा है, ये ओबीसी के पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, पिछड़ों के जो नेता हैं, जो पिछलगु बन के घूमते हैं, उनकी जबान में दम ताला लगा हुआ है, वो अपने हिस्सेदारी के लिए, अपने समाज को हिस्सेदारी दिलाने के लिए वो उनकी बोलती नहीं, जबान नहीं खुल पा रही है, असहाय है, असहाय है, निरीह जिसको कहते हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे समाज को गर्त में ढेल रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।